हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ पॉर्न की एक यूनिक रेसिपी जो साउथ के बहुत ही फेमस रेसिपी है और मैं बहुत बार इसको रेस्टोरेंट में टेस्ट कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने सोचा मैं घर में भी इसको ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसको ज़रूर आखिर तक देखिए और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसको आप खाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg पॉर्न और उसमें मैं विनीगर मैरिनेट करके रखी हूँ। तो थोड़ा बड़ा साइज़ का जो पॉर्न है उसे आप लीजिएगा, इससे ये रेसिपी अच्छी तरह बनेगा। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक और सॉल्ट, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स्ड कर लेना है। और फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते अगर अच्छे लगे, ज़रूर अच्छे लगेंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल और उसमें पॉर्न को फ्राई करेंगे। जब तक ना पॉर्न में थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करना है, उसके बाद इसको सेपरेट कर लेना है। पॉर्न फ्राई हो गए हैं, अब इसको सेपरेट करके रखती हूँ। देखिए इस तरह से फ्राई करना है। अब उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑनियन और उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद ऐड करेंगे करी लीव्स, उसके बाद ग्रीन चिली। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप चिली ऐड करेंगे। उसके बाद नमक, नमक भी स्वाद अनुसार आप ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप चाहे तो तेल थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कम तेल में ये रेसिपी बनाऊंगी। देखिए सब कुछ अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आखिर में लास्ट में ऐड करेंगे फ्राई पॉर्न और बस कुछ सेकंड के लिए इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनीगर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म राइस के साथ ज़रूर लीजिए। खाने के बाद ही आपको पता चलेगा ये कितना स्वादिष्ट है। और खाने के टाइम थोड़ा सा लेमन ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।